सेशन आप दे रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। घर की किचन, बाथरूम या किसी अन्य जगह से नल से पानी टपकता है तो वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में सिंक या बाथरूम के नल और टंकी को बंद करने के बाद भी पानी का बूंद बूंद होकर गिरने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में पानी का व्यर्थ होना या बहना अच्छा नहीं माना जाता। वास्तु के मुताबिक जिस घर में नल टपकता है वहाँ फिजूल खर्च अधिक होते हैं। वास्तु के अनुसार घर के नल या टंकी से पानी टपकता रहता है उसे तुरंत ठीक करवा ले, अन्यथा पानी की तरह ही घर का धन एवं पैसा भी बहता जाता है। वास्तु के मुताबिक पानी का बहना संकेत देता है कि कहीं ना कहीं धन खर्च अधिक हो रहा है। इसके साथ ही घर में धन नहीं टिक रहा और आर्थिक हानि का अंदेशा होता है। वास्तु के अनुसार घर के किचन का नल अगर लगातार टपक रहा है तो ये ज़्यादा अशुभ होता है। दरअसल किचन में अग्नि का वास होता है, जहाँ आग और पानी एक साथ हो जाए तो परेशानी और फिजूल खर्च बढ़ने लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा पानी का टैंक रखने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिशा में पानी का स्थाव होने से स्थान, धन और आर्थिक समृद्धि आती है, जबकि दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि नेतृत्व कौन दी दिशा में पानी की टंकी का होना अशुभ माना गया है। इस दिशा में पानी का स्थान होने से घर में कर्जा संबंधित परेशानी आ सकती हैं।